अब बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को। किसने? अल्लती हुआ फी बैतिहा, जिसके घर के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह की शर्म देखे यार, माशाल्लाह अल्लाह ने उस औरत का नाम नहीं लिया। क्या कह दिया? मजहूल के सीगे के साथ बयान कर दिया कि किसने बहलाया फिसलाया, किसने उनको जो है ना डी ट्रैक करने की कोशिश की, किसने सीड्यूस करने की कोशिश की, एक औरत ने जिसके घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम उसको कहें ज़ुलैखा, जबकि हमारी शरीयत में हमें तो नहीं पता उसका नाम कहाँ है ज़ुलैखा। इस्राइली रिवायत में होगा होगा, लेकिन अल्लाह ने उसका नाम नहीं लिया। उसके गलत काम के बावजूद भी थी वो शरीर उस लेवल पे, और आगे नबी है, छोटा मोटा इंसान नहीं है। एक आम इंसान के साथ कोई गलत काम करे या कोई जुल्म करे उसका एक आम गुनाह है, लेकिन एक नबी के साथ जो लेवल होगा वो बड़ा होगा। नबी के साथ नेकी भी बड़ी होगी, नबी के साथ जो सोहबत होगी वो भी बड़ी होगी, नबी की माइयत भी बड़ी, नबी की दुश्मनी भी बड़ी, नबी की दोस्ती भी बड़ी, नबी के साथ जुल्म भी बड़ा। लेकिन अल्लाह देखें क्या कर रहा है, अल्लती हुआ फी बैतिहा, अल्लाह उस औरत का नाम नहीं ले रहा, बल्कि क्या कह रहा है कि जिसके घर में वो है उसने जो है सीड्यूस किया है। और आज हमें क्या हो जाए, किसी एक की कोई पिक्चर मिल जाए, कोई एक वीडियो मिल जाए, कोई एक स्कैंडल मिल जाए, तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसा स्प्रेड करते हैं, ऐसा स्प्रेड करते हैं, कोई एक बात पता चल जाए। अल्लाह उसकी क्या कर रहा है, पर्दापोशी कर रहा है। हम पर्दापोशी नहीं कर सकते, हम उसको फैलाते हैं, जंगल की तरह फैलाते हैं, और ये हमारी कौम का जो है ना वतीरा बन चुका है, ये हमारी कौम का रूटीन बन चुका है कि किसी के बारे में कोई बात पता चल जाए, खानदान में आगे बाहर या किसी सेलिब्रिटी, चलो भाई करो। तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी पर्दापोशी। हम उस गुनाह के अंदर शामिल नहीं भी हैं तो वो करने से शायद हो जाएंगे, हम में उस करने वाले के अंदर हो सकता है कोई फ़र्क ना हो, हम भी उतने बड़े गुनाहगार हैं। क्योंकि अल्लाह इस आयत में ये सिखा रहा है अल्फाजों के अंदर कि अल्लाह ने उसका नाम नहीं लिया, उसकी पर्दापोशी कर दी। अल्लाह चाहता था उसको क़्यामत की सुबह तक के लिए और क़्यामत के बाद के लिए भी जलील और रुस्वा कर देता, अल्लाह ने उसको छुपा लिया, अल्लाह ने उसका नाम नहीं लिया, अल्लाह ने उसको नहीं बताया। और उसके बाद उसने क्या किया, वग़ल्लक़त अल-अबवाबा, और दरवाज़ों को, कई दरवाज़ों को, बाबुन की जमा है अबवाब, कई दरवाज़ों को मजबूती के साथ बंद कर दिया, बाबे तफ़ील हैं, मजबूती से बंद कर दिया कि गुनाह जो हो वो ऐसा हो कि उसमें कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या कहती है, हई तलक, आ जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक नामी देखें कि कितने दरवाजे बंद करके और मजबूती से बंद करके, एक लेयर फिर दूसरी लेयर फिर तीसरी, होते होते कई कोने छुपे किसी कमरे के अंदर उसने बंद करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को बोला, हई तलक, आ जाओ। लेकिन वो भी ईमान है, उनके साथ भी अल्लाह है। क्या कहते हैं, माद अल्लाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, इन्नहु रब्बी अहसन, अल्लाह का डर आ गया, अल्लाह का डर आ गया। और एक हदीस के अंदर आता है, सबअतुन युज़िल्लुहुम अल्लाह फी ज़िल्ली, सात किस्म के लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह अर्श के साए में जगह देगा। और उसके अंदर एक कौन है कि जिसको दाअत हु इम्रअतुन, एक ऐसा शख्स जिसको दावत दी हो एक औरत ने गुनाह की, ज़ात हस्बिन व जमाल, और वो कोई छोटी मोटी औरत ना हो, हसब नसब के अंदर और खूबसूरती के अंदर एक लेवल हो, वो एक कमाल हो, तो वो क्या कहते हैं, इन्नी अखौफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। ये गुना, ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद है, अल्लाह कहता है जब पूरी कायनात जल रही होगी, एक एक इंसान अपने गुनाहों के हिसाब से डूबा हुआ होगा और सूरज एक नेज़े के बराबर होगा, अल्लाह उस दिन अपने अर्श का छाया दे देगा उसको, यौम ला ज़िल्ला इल्ला हू।